आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आजकल लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है ऑडिट ट्रेल को लेकर। सर, ये ऑडिट ट्रेल भला क्या है, किस पर एप्लीकेबल है, हम कैसे इस चीज़ों को करें? तो पहली बात आप समझ लो, अगर आप प्रोप्राइटर हो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, अगर आप LLP हो, तो तुम्हें इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है। जैसे आप अकाउंटिंग कर रहे हो टैली पर, विजी पर, जिस सॉफ्टवेयर में कर रहे हो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो सर, टेंशन वाली बात किसे है? टेंशन वाली बात किसे है भाई? टेंशन वाली बात है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, टेंशन वाली बात है वन पर्सन कंपनी को, OPC को। ठीक है, यही दो आपके ज़्यादा मेजर क्लाइंट्स होंगे जिनमें ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल होगी। सर, ये ऑडिट ट्रेल का मतलब होता क्या है भाई? ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है, ट्रेल का मतलब एक तरीके से होता है पूछ, कि भाई किसी की भी पूछ पता लग जाए। कैसे? मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल को, उसे कब चेंज किया गया, कैसे चेंज किया गया, उसकी सारी जानकारी पता लग जाए। सर, क्या ये मैंडेटरी है? यस, ये मैंडेटरी है। कब से मैंडेटरी है सर? 1 अप्रैल 2023 से लेकर। सर, मैं तो अपनी बुक्स, ठीक है ना, टैली में बनाता ही नहीं हूं, मैं तो हाथ से लिख लेता हूं, ठीक है, रजिस्टर वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अगर तुम हाथ से लिख लेते हो तो वो तो खुद ब खुद ऑडिट ट्रेल बन गई, क्योंकि उसमें चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, टैली है, बिजी है, जो हो है, तो आप ऑडिट ट्रेल का फंक्शन आपका एक्टिव होना चाहिए। सर, कैसे एक्टिव होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी जो हमारी कंपनी है, ठीक है ना, फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी अकाउंटिंग के लिए हम जो हो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑडिट ट्रेल कैसे काम करता है बताता हूँ। यहाँ पर जो हो सॉफ्टवेयर में एक अलग से ही आता है एक्टिविटी लॉग एंड ऑडिट ट्रेल, हम इस पर क्लिक कर देते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि भाई क्या ऑडिट ट्रेल एक्चुअल में वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आप देखोगे 1 अप्रैल 2023 से मैंने यहाँ पर एंट्रियाँ शुरू करी, तो एक एंट्री है हमारे पास, ठीक है ना, एक एंट्री है हमारे पास अविनाश कुमार की, जिसकी डेट 14 अप्रैल को आ रही है 12:50। अब हम इसकी ऑडिट ट्रेल देखना चाहते हैं, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा व्यू ऑडिट ट्रेल, तो मेरे को दो चीज़ निकल कर आ गई। क्या दो चीज़ निकल कर आ गई भाई? ये 14 अप्रैल की तो एंट्री है, लेकिन ओरिजिनल एंट्री 4 अप्रैल की थी। मैंने कहा भाई 4 अप्रैल को क्या एंट्री थी? तो पहले आप ये देखिए 14 अप्रैल को एंट्री क्या है, इसमें पेमेंट मोड दिखा रखा है बैंक ट्रांसफ़र, और यहाँ पर जो इनवॉइस नंबर आ रहा है 25। मैंने कहा जरा इसका पुराना वर्जन देखता हूँ कि पुराना वर्जन क्या है, तो मैं 1.0 पे गया, तो 1.0 पे गया तो यहाँ पर पेमेंट मोड आ रहा है कैश और इनवॉइस नंबर आ रहा है, ठीक है, 5x01। तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है, 4 तारीख को बिल कुछ और बना, 14 अप्रैल को कुछ और बना। यही गवर्नमेंट चाहती है, चेक करना चाहती है कि कंपनीज अगर है तो उसमें ट्रांजेक्शन्स कैसे मैच हो रही है, कैसे चेंज हो रही है। अब मुझे इसका रीज़न देना पड़ेगा कि भाई ये वाली ट्रांजेक्शन जो 4 अप्रैल में थी, उसे 14 अप्रैल में मैंने ऐसा क्यों करा। हो सकता है जब कंपनी वाले मेरा वेरिफिकेशन करने आए, वो कंपेयर कर ले इन दोनों इनवॉइस को। कैसे कंपेयर कर ले, मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो जैसे इन्होंने कंपेयर करके देखा, तो कंपेयर में पता लग गया कि भाई यहाँ पर एक तो इनवॉइस नंबर में चेंजेज है, और दूसरा जो चेंजेज है यहाँ पर है। तो इस तरीके से, ठीक है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कंपनी के खाते कोई बार बार मॉडिफाई ना करे, और अगर मॉडिफाई कर रहा है तो हमें पता लग जाए कि उसने क्या मॉडिफिकेशन करी। जैसे कि अगर आप बैंक में होते हो, तो बैंक में कोई भी खाता मॉडिफिकेशन नहीं होता, बैक डेट में एंट्री लगती नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी कंपनी की, ठीक है ना, अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मॉडिफाइड हुई या नहीं हुई, डिलीट है तो डिलीट, एडिड है तो एडिड, ठीक है। और कोशिश आपको ये करनी है कि जब भी किसी कंपनी की अकाउंटिंग करो, तो उसमें ज़्यादा गैप ना करो, मतलब 6 महीने की एक बार कर ली, साल की एक बार कर ली, ऐसा मत करो। कोशिश करो कि आप उसे डेली बेसिस पे 15 डेज में, 1 मंथ में करो। तो इस तरीके से आप ये चेक कर लेना कि कंपैरिजन आ जाएगा कि भाई पहले वाउचर क्या था, बाद में क्या था। तो इसे ही हमने क्या बोला है, ऑडिट ट्रेल। ये वाला ऑप्शन हो सकता है आपके टैली में भी हो सकता है आपके बिजी में भी हो, तो आप इन ऑप्शंस को यस करने के बाद ही अपनी अकाउंटिंग शुरू करें। अगर किसी ने अभी तक इसे यस नहीं करा है, तो भाई उसे दिक्कत हो सकती है। तो भाई आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं,
आप जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ऑडिट ट्रेल आपकी होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा दूसरा इनवॉइस है उसमें कोई चेंजेज ही नहीं हुआ, ठीक है, सारा का सारी चीज़ें एक जैसी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर चेंजेज नहीं, तो जिस एंट्रियों में चेंजेज है वहाँ पर ऑडिट ट्रेल आपसे कभी भी कंपनीज वाले मांग सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी अकाउंटिंग को सही करें। दोबारा से समझ लो किस किस पर एप्लीकेबल है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर एप्लीकेबल है, ओपीसी पर है, पब्लिक लिमिटेड पर भी है, तो मैं मानकर चल रहा हूँ हो सकता है पब्लिक वाला भी आपका कोई क्लाइंट हो। प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप LLP पर नहीं है। और अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमारी जो क्लास हुई थी इनकम टैक्स की, उसके हम अंदर हमने ऑडिट ट्रेल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करा था, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, या फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा GST का भी हमारा लाइव कोर्स चल रहा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया तो उसे भी ज्वाइन कर ले, जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और साथ में ये भी बताएं आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसमें ऑडिट ट्रेल आसान है या मुश्किल है। मैं जो जोहो यूज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे बड़ा आसान लगता है ऑडिट ट्रेल का, मुझे कहीं यस नो नहीं करना, ये अपने आप ही ऑडिट ट्रेल बनाकर चलता है और मुझे कंपेयर करके भी दिखा देता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।